हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कीज़ इन डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कीज़ का क्या यूज़ होता है, क्यों इनको बनाया जाता है और कौन कौन सी कीज़ होती हैं। विभिन्न प्रकार की कीज़ का प्रयोग हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में करते हैं। बेसिकली 7 कीज़ आपके बुक में दी गई हैं, तो ये कौन कौन सी 7 कीज़ डीबीएमएस में यूज़ होती हैं, इनको आज हम समझेंगे। कीज़ इन डी बी एम एस इज़ इन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच हेल्प यू टू आइडेंटिफाई अ रो इन अ रिलेशन। रो को हम टपल भी बोलते हैं और रिलेशन को हम टेबल भी बोलते हैं। दे अलाउ यू टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। कीज़ हेल्प यू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉलम्स इन द टेबल। कीज़ इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग यूनिक रिकॉर्ड और रो फ्रॉम द टेबल। डेटाबेस कीज़ इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग यूनिक रिकॉर्ड और रो फ्रॉम द टेबल। एक की एट्रीब्यूट का एक सेट है या कीज़ एट्रीब्यूट्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसे रिकॉर्ड की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। डीबीएमएस कीज़ डेटाबेस के कोई भी दो टेबल के बीच में रिलेशन को फाइंड करने में, रिलेशन को ढूंढने में सहायता करती हैं। यह हमें किसी भी पर्टिकुलर टेबल में एक कॉलम या कॉलम के एक ग्रुप की सहायता से किसी रिलेशन टेबल से एक टपल रो को यूनिकली पहचानने के लिए, विशिष्ट रूप से पहचानने में सहायता करती हैं। कभी कभी हमें एक से अधिक टेबल से डेटा रिट्रीव करना पड़ सकता है। उन स्थिति में हमें कीज़ की सहायता से टेबल्स में सम्मिलित होने की या टेबल्स से जुड़ने की आवश्यकता होती है। की का यही मुख्य उद्देश्य होता है। की का उद्देश्य टेबल से सभी डेटा को दोहराए बिना डेटा के साथ टेबल्स को बाइंड करना होता है, मतलब रिपीटेटिंग डेटा नहीं हो और टेबल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी भी रहे। ये मुख्य उद्देश्य रहता है की को डिक्लेयर करने का या की को बनाने का। डेटाबेस टेबल के कॉलम या एट्रीब्यूट के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। किसी भी टेबल के कॉलम के नाम को एज एन की हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि कोई भी यूनिक रो या कॉलम है हमारे टेबल में, तो वो हम उसकी स्पेशल बातों के कारण या उसमें क्या स्पेशलिटी है उसको देखकर हम उसको की डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं। कीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डेटाबेस। इट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो ऑफ डेटा फ्रॉम द टेबल। इट इज़ ऑल्सो यूज टू एस्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। देयर आर मेनली 7 डिफरेंट की टाइप्स ऑफ कीज इन डीबीएमएस एंड ईच की हैज इट्स डिफरेंट फंक्शनैलिटी। दे आर सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपाउंड की और सरोगेट की। अब हम एक एक करके इन की के फंक्शंस को और कौन सी की क्या करती है वो समझते हैं और किस की की क्या स्पेशलिटी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर की की। अ सुपर की इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज विच आइडेंटिफाइज रो इन अ टेबल। अ सुपर की मे हैव एडिशनल एट्रीब्यूट दैट आर नॉट नीडेड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। सुपर की इज़ अ सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। सुपर की इज़ अ सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। सुपर की या तो एक सिंगल की या किसी की का एक सेट होता है जो किसी पर्टिकुलर टेबल में अलग अलग रो को पहचान करने में सहायता करता है। एक सुपर की में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो सकता है जो उसको एक विशिष्ट पहचान के लिए रिडंडेंट करता है, मतलब बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कि एम्प्लॉय टेबल यदि हमने कोई क्रिएट करी है, एम्प्लॉय डेटाबेस क्रिएट किया है,
तो एम्प्लॉय की आईडी एक सुपर की कहलाएगी या एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, क्योंकि वो यूनिक है। यूनिक है मतलब एक मोबाइल नंबर दो व्यक्तियों के तो नहीं हो सकते, या वो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग मोबाइल नंबर होंगे। ऐसे ही एम्प्लॉय आईडी भी अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग रहेगी। तो ये हमारी सुपर की के रूप में इनको हम मान सकते हैं, क्या, एम्प्लॉय आईडी और मोबाइल नंबर। अब हम बात करते हैं कैंडिडेट की। अ कैंडिडेट की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। द रिमेनिंग एट्रीब्यूट एक्सेप्ट फॉर प्राइमरी की आर कंसिडर्ड एज अ कैंडिडेट की। द कैंडिडेट कीज आर एज स्ट्रॉन्ग एज द प्राइमरी की। कैंडिडेट कीज इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट that uniquely identify tuple in a table. Candidate key is a super key with no repeated attributes. The primary key should be selected from the candidate key. Every table must have at least a single candidate key. A table can have multiple candidate key but only a single primary key. Candidate key, यदि कोई सुपर की में कोई डुप्लीकेट एट्रीब्यूट नहीं है तो इसे कैंडिडेट की के रूप में माना जाता है या कहा जाता है। प्राइमरी की को दी गई कैंडिडेट की से विचार के बाद चुना जाता है। सभी टेबल्स में कम से कम एक कैंडिडेट की होना ही चाहिए। कुछ इसके नियम होते हैं जब हम कैंडिडेट की को बनाते हैं, या इसको बनाने से पहले हमें बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसे कि एक कैंडिडेट की में डिफरेंट वैल्यूज़ होना ज़रूरी है, या डिफरेंट वैल्यूज़ ही रखी जाती हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू और डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है। एक कैंडिडेट की के विभिन्न एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। कैंडिडेट की इन एसक्यूएल में हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट, इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एक कैंडिडेट की को नल वैल्यूज़ में कंप्राइज नहीं किया जा सकता। मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यूज़, इसमें हम नल वैल्यू नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इट शुड कंटेन मिनिमम फील्ड्स टू इंश्योर यूनिकनेस। यहाँ पे मतलब जो भी हमारी कीज़ की वैल्यूज़ हैं वो सारी यूनिक होना चाहिए। ये हमें देखना है कि वहाँ पे सारी वैल्यू मिनिमम फील्ड्स जो हैं हमारी वो यूनिक हैं या नहीं हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, इसका उपयोग हम हर एक रिकॉर्ड को, रो को विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई करने के लिए, विशिष्ट यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की एक कॉलम या रिलेशनशिप में कॉलम का एक कॉम्बिनेशन है जो हमें किसी विशेष टेबल में एक रो को विशिष्ट रूप से पहचानने में सहायता करता है। स्पेशली हमें टेबल में किसी रो को आइडेंटिफाई करना, यूनिकली आइडेंटिफाई करना, तब हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। प्राइमरी की इज़ अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन द टेबल। द प्राइमरी की कांट बी डुप्लीकेट, मीनिंग द सेम वैल्यू कांट अपेयर मोर देन वन इन अ टेबल। अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन प्राइमरी की। प्राइमरी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो यूनिक होना चाहिए, और एक टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं होती, मतलब एक ही कॉलम हमारा प्राइमरी की कहलाता है, ठीक है। कुछ रूल्स हैं प्राइमरी की को डिफ़ाइन करने के, या कुछ बातें हैं जब हम प्राइमरी की को डिफ़ाइन करते हैं तो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले, टू रो कांट हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू, मतलब कि एक टेबल में दो रो सेम नहीं हो सकती हैं, या दो प्राइमरी की नहीं हो सकती। टू रो कांट हैव सेम प्राइमरी की वैल्यू, प्राइमरी की में जो वैल्यूज़ हैं वो दूसरी रो में नहीं हो सकती हैं। इट मस्ट फॉर एवरी रो टू हैव अ प्राइमरी की वैल्यू। द प्राइमरी की फील्ड कांट बी नल, प्राइमरी की कि कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती है, और टेबल की कोई भी दो रो में उस कॉलम के समान वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं। द वैल्यू इन अ प्राइमरी की कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेट इफ़ एनी फॉरेन की रेफर्स टू दैट प्राइमरी की।
इसका मतलब ये है कि यदि कोई फॉरेन की प्राइमरी की को रिलेट करती है तो इस प्राइमरी की कॉलम की कोई भी वैल्यू को अल्टर या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, मतलब प्राइमरी की वैल्यू नॉन चेंजेबल हो जाती है। ये थी कुछ रूल्स प्राइमरी की को डिक्लेयर करने की। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट की। ऐसा कई बार सिचुएशन आती है कि जब हमारे पास प्राइमरी की को जब हम चुनते हैं तो उस टेबल में और भी एक से अधिक ऑप्शंस या कॉलम्स ऐसे होते हैं जो प्राइमरी की सारी क्वालिटी रखते हैं, जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की तो टेबल में एक ही बनती है। तो जो प्राइमरी की सारी क्वालिटीज़ रखता है जो कॉलम प्राइमरी की बनने के बाद, उस कॉलम को या उसको हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? अल्टरनेट की। एज स्टेट अबव, अ टेबल कैन हैव मल्टीपल चॉइस फॉर अ प्राइमरी की, हाउ एवर इट कैन चूज ओनली वन, सो ऑल द कीज विच डिड नॉट बिकम द प्राइमरी की आर कॉल्ड अल्टरनेट कीज। अल्टरनेट कीज इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन दैट टेबल। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल चॉइस फॉर अ प्राइमरी की बट ओनली वन कैन बी सेट एज द प्राइमरी की। ऑल द कीज विच आर नॉट प्राइमरी की आर कॉल्ड एज अल्टरनेट कीज। वो हर एक की जिस पे सारी क्वालिटी प्राइमरी की बनने वाली हैं बट प्राइमरी की टेबल में एक ही होती है, तो बाकी बची हुई कीज़ जो प्राइमरी की नहीं बनाई हैं वो क्या कहलाती हैं? अल्टरनेट कीज़ कहलाती हैं। ठीक है, प्राइमरी की को चुनते हैं तब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं एक डेटाबेस में, एक टेबल में। तो हम जिसको हमने प्राइमरी की बना दिया वो तो हमारी प्राइमरी की हो गई, बट बाकी बची हुई हमारी क्या कहलाती हैं? अल्टरनेट कीज़ कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की इज अ कॉलम दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। द पर्पस ऑफ फॉरेन की इज टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी एंड अलाउ नेविगेशन बिटवीन टू डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। इट एक्ट्स एज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टू टेबल्स एज इट रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। फॉरेन की इज यूज टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। A foreign key will require each value in a column or set of column to match the primary key of the referential table. Foreign key help to maintain data and referential integrity. Foreign keys अन्य टेबल के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए या स्थापित करने के लिए हमारी सहायता करती हैं। इसे referential integrity भी कहा जाता है। इस रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए फॉरेन की कॉलम के टेबल को ऐड किया जा सकता है। वे डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करती हैं तथा दो एंटिटीज़ के कोई दो इंटेंस के बीच आसान नेविगेशन को अलाउड करने में भी सहायता करती हैं। जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तब हम दो या दो से अधिक टेबल्स को आपस में जोड़कर एक क्वेरी बनाते हैं या हम अपना आउटपुट अलग अलग टेबल्स को कंबाइन करके लेते हैं, तब हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फॉरेन की का यूज़ क्या होता है? क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। जब हम दो टेबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप डिक्लेयर करते हैं या स्थापित करते हैं तब हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड की हैज़ टू और मोर एट्रीब्यूट्स that allow you to uniquely recognize a specific record. It is possible that each column may not be unique by itself within the database. However, when combined with the other column or columns, the combination of composite key become unique. The purpose of the compound key in database is to uniquely identify each record in a table. कंपाउंड की एक प्राइमरी की है जिसमें एक सिंगल कॉलम नहीं होता है, लेकिन दो या दो से अधिक कॉलम्स होते हैं जो हमें किसी विशेष रो को पहचानने की फैसिलिटी या सुविधा देते हैं। एक कंपाउंड की के लिए हमारे पास कोई कॉलम नहीं है तो हम अपने आप में एक यूनिक, या इसे हम यूनिक बनाने के लिए
दो या दो से अधिक कॉलम्स को जोड़ देते हैं या जोड़ने की हमें आवश्यकता होती है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड की बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी कंपाउंड की। अब हम लास्ट की बात करते हैं हमारी, जिसका नाम है सरोगेट की। इस की का क्या यूज़ होता है, इसका हमें नाम से ही क्लियर थोड़ा सा शायद समझ में आए कि ऐसी स्थिति जब हम पे बनती है जहाँ पे किसी भी टेबल में कोई भी प्राइमरी की नहीं है, तो इस केस में हम एक सरोगेट की का उपयोग करेंगे जो कि आर्टिफिशियल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल, हमने अपने आप बनाई हुई है, जो टेबल के प्रत्येक रो को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देती है या यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने में मदद करती है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, सरोगेट की। ठीक है, सरोगेट कीज इज़ एन आर्टिफिशियल की विच एम्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ सरोगेट की। दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर पार्शियल की इन DBMS is unique because it is created when you don't have any natural primary key. They do not lend any meaning to the data in the table. Surrogate keys in DBMS is usually an integer. A surrogate key is a value generated right before the record is inserted into the table. ये थी हमारी सरोगेट की। इसको हम आर्टिफिशियल की भी बोल सकते हैं और इसका उपयोग सिर्फ तभी होता है जब हमारे सामने ऐसी स्थिति बन जाए जहाँ पे एक पर्टिकुलर टेबल में प्राइमरी की नहीं है, तभी हम इसका उपयोग करते हैं जो कि एक आर्टिफिशियल की है। ये थी हमारी मुख्य कीज़ जो हम यूज़ करते हैं DBMS में या रिलेशनशिप बनाने में। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।